खरगोन शहर में आगामी दीपावली को देखते हुए खाद्य विभाग द्वारा एक बड़ी कार्यवाही की गई है। गुरुवार सुबह के समय सूचना मिलने पर खाद्य निरीक्षक श्रीवास्तव खरगोन बस स्टैंड पहुंचे और यहां से एक निजी यात्री बस से लगभग 5.5 क्विंटल मावा जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 1,10,000 रुपए बताई जा रही है। खाद्य निरीक्षक श्रीवास्तव ने बताया कि मावे के सैंपल लेकर जांच में भेजे जाएंगे। पकड़ाया गया मावा बड़वानी से एक निजी यात्री बस से खंडवा की ओर जा रहा था। मावे की धर पकड़ की कार्यवाही को सुनकर मावा वालों में हड़कंप मच गई। दोपहर के लगभग 12 से 1 बजे के दरमियान नवग्रह मंदिर तिराहे पर यात्री बस में से करीब 2 क्विंटल मावा सड़क पर फेंक कर भाग गए। कार्यवाही से बचने के लिए सड़क पर मावा वालों ने यह कदम उठाया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हम यहाँ से सुबह से एक नज़र बनाए हुए थे, हमको शिकायत मिली थी कि बस से मावा आ रहा है, तो हमने यहाँ पर बस से एक मावा उतरते हुए जब्त किया है। 5.5 क्विंटल मावा है यहाँ पर और वो मीठा मावा है यहाँ पर, और उसकी हम जांच करवा रहे हैं कि वो किस तरह का मावा है। कौन सी बस से आया सर, ये कहाँ से आया? ये बड़वानी की बस से आया है और उसने यहाँ पर उतारा था। यहाँ पर इसका कोई भी मालिक यहाँ पर नहीं आया है। मावे की कंडीशन क्या है सर? मावा प्रथम दृष्टया तो मिलावटी मावा लग रहा है हमको, और इसकी जांच कराएंगे तब मालूम चल पाएगा कि ये क्या चीज़ है। बस वाले ने ये नहीं बताया सर मावा किसका है? नहीं, बस वाले ने नहीं बताया, बस वाले भाग गए। तो सर बस वाले भाग गए सर, इन पर भी कोई कार्रवाई होगी क्या? बस वाले हमने उसका फोटो ले लिया है, बस का उसका नंबर नोट किया है, निश्चित रूप से उन पर भी कार्रवाई होगी, उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। लोडिंग का तो इन्होंने चार्ज लिया होगा ना सर, इनके पास तो जानकारी होगी किसका माल है, इनको जानकारी ली जाएगी। क्या शुभ नाम सर? नीरज श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।